बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर हमने फिजिक्स की बेसिक जो चीजें हैं उनको स्टडी करना। आज सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें आज के लेक्चर के अंदर कवर करनी है। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंस, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, नेचर, टाइप्स ऑफ थिंग्स इन नेचर, फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे, आप इनको समझते जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन किया जाता है किसी भी साइंस के स्टूडेंट से कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। कुछ बच्चों ने डेफिनेशंस याद की हुई हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स का उनको नहीं मालूम कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग साइंस एंड फिजिक्स वो सारे क्लियर कर दिए जाए। साइंस है क्या? सो द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया व्हिच मींस नॉलेज और लर्निंग। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि वर्ड जो साइंस है इट्स ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया। सेंशिया वर्ड से आया, वहां से ड्राइव किया गया, एंड व्हिच मींस नॉलेज और लर्निंग। तो नॉलेज, किस चीज की नॉलेज, किस चीज की लर्निंग, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक और चीज को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हमें सारी पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। तो नेचर को स्टडी करेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे कि नेचर है क्या एक्चुअली, क्योंकि हमें अगर नेचर समझ में आ गई तो साइंस भी समझ में आ जाएगी, उसकी ब्रांचेस भी समझ में आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो नेचर क्या है? तो नेचर के लिए एक चीज याद रखनी है कि हर वो चीज जो इंसान ने ना बनाई हो, तो डेफिनेटली किसने बनाई? गॉड ने बनाई। तो हर वो चीज जिसमें इंसान का अमल दखल ना हो वो कहलाती है नेचर या नेचुरल, राइट, मींस मेड बाय गॉड। सो डेफिनेशन ऑफ नेचर हो जाएगी हमारे पास, द वर्ड नेचर एंड नेचुरल आर यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर नॉर्मली नॉट मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस ने कुछ ना बनाया हो, उसमें उसका अमल दखल ना हो, मींस दैट आर मेड बाय गॉड, जो कुदरत ने बनाई हो चीजें, जो अल्लाह ताला ने बनाई, वो सारी की सारी चीजें नेचर के अंदर आ जाएंगी। अब साइंस वर्ड कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड सेंशिया से, सेंशिया का मतलब था नॉलेज, लर्निंग। तो अब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, इसी नेचर को जब हम स्टडी करेंगे, मींस नेचर के अंदर नेचर क्या है, एवरीथिंग व्हिच इज मेड बाय गॉड इज कॉल्ड नेचर। तो हर वो चीज जो गॉड ने बनाई है खल्क की, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को कहा जाता है साइंस। साइंस इज द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर। इट इज वेरी क्लियर, इट इज सिंपल। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स साथ साथ अगर आप पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? साइंस जो है इट इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंशिया मींस नॉलेज लर्निंग। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि साइंस को समझने से पहले हमें नेचर को देखना पड़ेगा कि नेचर क्या। तो नेचर के बारे में आप लोग जान गए कि नेचर जो है वो हर उस चीज को कहते हैं जो गॉड ने खल्क किया, गॉड ने बनाई, उसको नेचर कहा जाता है। उसी नेचर को स्टडी करने का नाम साइंस। साइंस इज द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर। ओके, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी अर्थ की एग्जाम्पल ले, तो अर्थ को जब हम देखते हैं तो अर्थ के मोशन जो है वो दो किस्मों के मोशन है। एक तो जो सन है उसके अराउंड वो मूव कर रही है, दूसरा अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है। सन के अराउंड मूव करती है वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है, अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है वो मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। हम किसी सूरत भी अर्थ के मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम चाहें उसको रोक सकें, रोक देना चाहें, हम नहीं रोक सकते। हम चाहें कि उसका मोशन और तेज कर दिया जाए, हम नहीं कर सकते, राइट। वी जस्ट स्टडी द मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मोशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि इसका मोशन कौन सा है, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है इसके ऊपर, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ थिंग्स इन नेचर। कितने टाइप्स है नेचर? अब नेचर का तो हमें पता चल गया कि नेचर इज हर उस चीज को कहते हैं जो गॉड ने क्रिएट किया, गॉड ने खल्क किया। तो साइंस ने अपनी अकल की बुनियाद पर नेचर के अंदर जो चीजें थी उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। Right? There are two types of things in nature. Science कहती है कि there are two types of things in nature. कौन कौन सी? उसने कहा एक है living things and second is non-living things. अब living things और non-living things का पता कैसे चलता कि कौन सी चीजें living things हैं और कौन सी non-living? Daily life में हम कहते हैं जो चीजें सांस लेती वो जिंदा है, जो चीजें सांस नहीं लेती वो मुर्दा है। तो ऐसा science इस चीज को नहीं मानती। Science के हिसाब से हर वो चीज जो grow करती है, जिसके अंदर ग्रोथ होती है, वो चीज लिविंग थिंग्स के अंदर आती है, और जो चीज ग्रो नहीं करती साइंस उसको नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में डाल देती। जैसे इंसान है, जानवर है,
परिंद चरिंद पेड़ पौधे ये सारी चीजें ग्रो करती हैं, इनके अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन जिस चीज के अंदर ग्रोथ नहीं होती, जैसे चेयर है, जैसे स्टोन है, साइंस इसको नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में डाल देती है। दो चीजें हमारी बड़ी क्लियर हो गई कि दो टाइप्स हैं थिंग्स की नेचर के अंदर, एक लिविंग थिंग्स, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब क्योंकि टाइप्स ही दो थी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो आंसर होना चाहिए देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्योंकि चीजें ही दो थी, थिंग्स दो थी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस वजह से साइंस ने दोनों कैटेगरीज को स्टडी करने के लिए दो ब्रांचेस क्रिएट कर दी, एक ब्रांच लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए। जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए ब्रांच बनाएगी उसको कहा गया बायोलॉजिकल साइंसेस। बायो मींस लाइफ, लॉजिकल कम्स फ्रॉम लॉजी मींस स्टडी, बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइंसेस लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए बना देगी। अब जब लिविंग थिंग्स में देखा गया तो लिविंग थिंग्स के अंदर फिर दो किस्म की कैटेगरीज थी, एक जानवर थे और एक पेड़ पौधे थे। तो साइंस ने फिर दोनों कैटेगरीज को समझने के लिए बायोलॉजिकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड कर दिया दो ब्रांचेस के अंदर, एक वो साइंस की ब्रांच जो जस्ट एनिमल्स को स्टडी करती और एक वो ब्रांच जो पेड़ पौधों को स्टडी करती। तो बायोलॉजिकल साइंसेस को डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस। डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी, इट इज अ मेन ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सो ब्रांच बॉटनी एंड जूलॉजी। फर्स्ट ब्रांच जो उन्होंने बनाई प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, उस ब्रांच को कहते हैं बॉटनी। और जो एनिमल्स को स्टडी करने के लिए बनाई गई ब्रांच उसको कहा गया जूलॉजी। जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। अब याद रहेगा। दूसरी किस्म की जो कैटेगरी थी नेचर के अंदर वो नॉन लिविंग थिंग्स की थी, तो उसके हिसाब से साइंस ने जो ब्रांच उसको स्टडी करने के लिए बनाई उस ब्रांच को कहते हैं फिजिकल साइंस। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, इट इज अ मेन ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच साइंस ने बनाई उस ब्रांच को नाम दिया गया फिजिकल साइंसेस का। फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेस आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में फिर डिफरेंट चीजें थी, डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो साइंस ने उसको फर्दर थ्री ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड अदर साइंसेस मच बेटर इफ यू फर्स्ट अंडरस्टैंड फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी तो फिर आपको इजीली केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी भी समझ में आ जाएगी। Next start is in physics. What is physics? The word physics comes from the Greek word physikos, means natural. So physics is about the nature of basic things such as motion, forces, energy, matter, heat, sound, light and the composition of atoms. In sab cheezon ko hum physics ke andar study karenge. Basic cheezein, sari motion, forces, energy, matter, heat, sound, light and the composition of atom. The proper definition jo paper mein likhne ke liye aa jati hai, define physics, ye cheezein to aapne abhi tak samajh liye, sab kuch study karenge, lekin jo proper definition aapne likhni hai, that is physics is the fundamental branch of physical sciences. Fundamental means bunyadi, right? So basic, bilkul starting. Yahan iski definition ka khayal karna hai ki physics is a fundamental branch of physical sciences. Aksar bache jo hain uski definition likhte hain physics is a branch of science. No, science ki sirf aur sirf do main branches hain. Theek hai, uski sab branches hain sare. Lekin jab proper definition aap likhenge to fir usme aap likhenge physics is a fundamental branch of physical sciences which deals with the study of matter, energy and interaction between them. एक दूसरे का उनका आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इजीली उसको समझ लें कि फिजिक्स जो है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी हमारे पास प्योर एनर्जी, इसके अंदर जो है वो साउंड एनर्जी आ जाती है, लाइट एनर्जी आ जाती है और हीट एनर्जी आ जाती है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट, मींस मैटर डिस्क्राइब बाय इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एक और छोटी सी बात समझ लेनी है कि मैटर जब स्टेबल हो जाता तो वो एनर्जी बन जाता, और एनर्जी जब अनस्टेबल हो जाती है तो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चल के इसको डीपली स्टडी करेंगे। मेरा इशारा जो है वो आइंस्टाइन की उस इक्वेशन की तरफ है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। Next is branches of physics. The first branch of physics is mechanics. Mechanics is a branch of physics which deals with the study of motion of bodies or particles with reference or without reference, of course. यहाँ दो तीन चीजें समझने वाली हैं। एक तो चीज ये ध्यान में आपने रखनी है कि mechanics वो branch है physics की जिसमें हमने motion को study करना, चाहे bodies के या particles। आगे with reference or without reference of force, यहाँ बच्चे अक्सर confused हो जाते हैं कि with reference or without reference of force ये क्या चीज है। तो विद रेफरेंस वो समझते हैं कि शायद फोर्स के साथ, और विदाउट रेफरेंस वो समझते हैं शायद बगैर फोर्स। यहाँ एक
कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर कर लेना कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेस की ब्रांच और फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी के साथ कंसर्न करती है और नॉन लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, मींस मोशन उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। फिजिक्स के अंदर विदाउट फोर्स मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर यहाँ क्या मतलब है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का, तो वो मतलब आपने समझ लेना। विद रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि आपको फोर्स के बारे में पता हो, कौन सी फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुई, कितनी फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुई जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई या उस बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये सारी चीज। विदाउट रेफरेंस का मतलब है कि आप जस्ट स्टडी करें कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, कितना है, बॉडी ने जो डिस्प्लेस किया वो कितना किया, विदाउट कॉजिंग अ फोर्स, विदाउट डिस्कशन अबाउट फोर्स, राइट। फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मींस मोशन ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब क्योंकि दो कैटेगरी थी मैकेनिक्स के अंदर, एक मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, एक मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो साइंस ने फिर इसकी दो ब्रांचेस बना दी। एक ब्रांच को कहा गया काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स मैकेनिक्स ही वो ब्रांच जिसमें हम बॉडीज या पार्टिकल्स या मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, वी जस्ट स्टडी अबाउट पोजिशन। काइनामेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। द वर्ड काइनामेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड किनेमा, मीन्स मोशन। सो इसके अंदर हम जस्ट बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट कॉजिंग ऑफ फोर्स। डायनामिक्स, डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। इस ब्रांच के अंदर हम फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि कौन सी फोर्स अप्लाई हुई, कितनी फोर्स अप्लाई हुई बॉडी के ऊपर, ये चीजें डिस्कस करते हैं। द वर्ड डायनामिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामिक, मींस पावर। कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, तो कंक्लूजन बहुत क्लियर है। इन काइनामेटिक वी स्टडी द पोजिशन एंड मोशन ऑफ बॉडी और पार्टिकल इन स्पेस एट अ सर्टेन टाइम विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या, मोशन क्यों प्रोड्यूस हुआ किसी बॉडी में, किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो क्यों हुआ, किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई तो क्यों हुई, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जब हम बॉडी की जस्ट पोजीशन और उसके मोशन को स्टडी करते हैं तो उसको हम काइनामेटिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। और डायनामिक्स वी स्टडी द पुश और पुल, पुश और पुल छोटी क्लासेस में पढ़ा था। पुश और पुल का मतलब होता है फोर्स, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो पुश और पुल्स विच कॉज और रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी और पार्टिकल। Next branch is electricity. Electricity is a branch of physics which deals with the study of electric charges and their effects when they are at rest or in motion. यहाँ पर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके इफेक्ट्स व्हेन दे आर एट रेस्ट और इन मोशन। मींस दो कैटेगरीज यहाँ फिर बन गए, एक रेस्ट और दूसरी मोशन। मींस चार्जेस या तो रेस्ट में होंगे या चार्जेस मोशन में होंगे। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट, उस चीज को स्टडी करते हैं। और जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट्स उनके होते हैं, उस चीज को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दो कैटेगरीज बन गई, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फिर डिवाइड कर दिया गया दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके इफेक्ट्स को पढ़ा गया जब वो रेस्ट में होते हैं, उस ब्रांच को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरी वो ब्रांच जिसमें चार्जेस मोशन में होते हैं, तो उस ब्रांच को कहा गया करंट इलेक्ट। ये चार्जेस आते कहाँ से हैं, तो चार्जेस के लिए फिलहाल आपने इतना कॉन्सेप्ट अपना रखना है कि एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या है और उसके पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है, आपको भी याद होना चाहिए कि एटम की एक चीज होती है डेफिनेशन और एक चीज होती है उसकी मीनिंग। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो एटम की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का छोटे में छोटा हिस्सा जो है, छोटे में छोटा पार्ट, वो एटम कहलाता। एटम की मीनिंग जो है वो उसका मतलब है नॉट कट, मींस इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एन एटम। सो एटम को जब फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला एटम के अपने पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को फिर उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, वो नाम दिए गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज्ड बॉडीज नहीं है, तो उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, जिसको कहा गया न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऑर्बिट में होते हैं, जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव
कर रहे होते। एटम का अपना कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में एक जैसे हो, दोनों के ऊपर चार्जेस सेम होते हैं, उनकी वैल्यूज सेम होती हैं, लेकिन पोलैरिटी चेंज होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस होते हैं प्रोटॉन्स वो पॉजिटिव चार्जेस कहलाते हैं, जो ऑर्बिट के अंदर होते हैं चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव चार्जेस कहलाते हैं। वैल्यूज दोनों की सेम है लेकिन पोलैरिटीज चेंज है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाता है। आगे चल के हम इसको और डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर आर टू वर्ड्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, मीन्स वो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन दे आर एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जिसमें चार्जेस रेस्ट के अंदर होते हैं। डेली लाइफ में उसकी एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी हैं, जो बैटरीज हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स मोशन, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा करंट अफेयर्स, करंट का मतलब होता है जो चल रहे हो, करंट का मतलब है मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जिसमें चार्जेस मोशन में हो। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हेन दे आर इन मोशन, जब वो मोशन में हो तो हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेली लाइफ में आपके पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सारी की सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस मूव करते हैं। उन वायर्स के अंदर जो आपके घरों में बिछी हुई है उनके अंदर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले इसको देखते हैं कि ये ब्रांच कहती क्या है। ये ब्रांच कहती है हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेट। बहुत पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पता चला कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी किसी कंडक्टर में मीन्स किसी वायर में करंट पास हो तो उसके अराउंड उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और सिंपल कर दें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिज्म है क्या? सो मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एक फोर्स का नाम है अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले पे भी चीजों पे वो एक्ट करेगी। अट्रैक्शन रिपल्शन किस चीज के ऊपर? इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉज्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है? व्हिच इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट से, उनके मोशन से जब मूव कर तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है। और इज इनहेरेंट इन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मैग्नेट, तो वो मैग्नेट ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है डेफिनेटली। डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एग्जांपल्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल आ जाती है, ये बाद में इसको हम पढ़ेंगे कि ये बनती कैसे है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरह से इन्वॉल्व। डेली लाइफ में आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप एक नेल लेकर उसके ऊपर एक वायर, नेकेड वायर मींस के ऊपर जो इंसुलेटिंग कवर होता है वो कवर रिमूव करके उसको नेकेड करके उस वायर को आप एक नेल के ऊपर मींस कील के ऊपर लपेट दें और उसके दो एंड्स इस तरह से बाहर रखें जैसे फिगर में दिखाया गया है, तो उसके दोनों एंड्स अगर आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपका वो नेल एक मैग्नेट बन जाएगा, जिसको हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस वक्त तक मैग्नेट रहेगा जब तक उस वायर के अंदर करंट मूव करता रहे। आप जैसे इसको बैटरी से अलग कर देंगे वायर की किसी एक सिरे को, एक एंड को, तो नेल जो है वो मैग्नेट में ही रहे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। नेक्स्ट ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसको उसके नाम से डिफाइन कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, बाद में पता चला नहीं 4 होता है। इस ब्रांच के अंदर हम सॉलिड मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। डेली लाइफ में आपके पास कंप्यूटर हर बंदा यूज करता है, उसके पास जो यूएसबी है, यूएसबी आपके पास आजकल जो हार्ड डिस्क यूज की जाती है उसको एसएसडी ड्राइव कहा जाता है। एसएसडी मींस सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो एग्जांपल है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज को इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। सॉलिड मटेरियल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। आगे चल के हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स अपने नाम से क्लियर है कि मींस ये वो ब्रांच है जिसमें हम एटम को स्टडी करते हैं। तो एटम की क्या चीज स्टडी की जाती है? एटम का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, एटम की प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती है, ये सारी चीजें मींस कंप्लीट एटम को स्टडी किया जाता है इस ब्रांच के अंदर।
Atomic physics is a branch of physics which deals with the study of the structure and properties of atom. Atom, uske structure, uske properties, uske, particles, its nucleus, orbit, electrons, protons, neutrons, ye sab kuch complete atom ko study kiya jata hai is branch ke andar. Nuclear physics is the next branch. Nuclear physics, uska name khud bata raha hai ki means ye wo branch hai jisme एटम के न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को और रिएक्शंस विद अनदर न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम. न्यूक्लियाई जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है. नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में जो आजकल बताया जाता है वो यही कि प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. जो आजकल नई डेफिनेशंस बताई जाती है प्लाज्मा की, तो उसके लिए कहा जाता है कि प्लाज्मा शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई. बार न्यूक्लियाई मींस न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. जब गैसेस को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट अप किया जाता है तो उसके एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. जब वो लूज कर देते हैं तो फिर वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इनके मिक्सचर को बार न्यूक्लियर कहते हैं. इन दोनों के मिक्सचर से बनता है प्लाज्मा. डेली लाइफ में उसकी एग्जांपल अक्सर वो बच्चे खाते हैं जेली, तो जेली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा. राइट, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट्स इन द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, लेकिन जो न्यू थ्योरी है इसके बारे में आजकल जो साइंस कहती है वो कहती है कि इट शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ. क्यों फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्यों साइंस कहती है? क्योंकि कहती है प्लाज्मा शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इट इज ऑल द स्टेट्स अराइज फ्रॉम. मींस जितनी भी मैटर की स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस, ये सारी इसके बाद बनती है. Rise from यहाँ से arise करते हैं. So it should be called first state of matter. Next is biophysics. Biophysics is a branch of physics which deals with the study of application of physical methods and explanation to biophysical system and structure. Daily life में physics कहाँ कहाँ पर apply हो रही होती है? Medical field में applications of physics in medical world. बहुत सारे examples हैं. Suppose X-rays. X-rays आपने अक्सर देखा होगा जब किसी के कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो पहले उसका एक्सरे करवाया जाता है. सो एक्सरे मेन रोल प्ले करता है किसी भी ब्रोकन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड इज वेरी हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल वर्क. लेजर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशली यूज होती हैं कैंसर पेशेंट्स को, और MRI फिजिक्स से कंसर्न करती है. ब्रेन हेमरेज वगैरह ये सारी चीजें MRI के थ्रू देखी जा सकती है, एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस. Next branch is astrophysics. Astrophysics is a branch of physics which deals with the study of the physics of astronomical bodies. हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर जितने भी चीजें हैं वो और वो सब कुछ जो कुछ यूनिवर्स के अंदर है वो सारी की सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहलाती हैं. चाहे वो मार्स है, जुपिटर है, अर्थ है, सन है, और एनी अदर थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी. इनको स्टडी करते हैं. आई होप आपको साइंस, उसकी ब्रांचेस, फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस सारी क्लियर हो गई होंगी. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.